आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफर फरीद। नाजरीन, जहां एक तरफ महंगाई अरूज पर है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं बीजेपी की जानी मानी शख्सियत पीयूष गोयल का कहना है कि महंगाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपने कहा कि तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। टमाटर एकमात्र वस्तु है जिसमें हाल में हफ्ते भर में कीमतें बढ़ी है। अब इस जानी मानी शख्सियत को कौन समझाएगा कि महंगाई इस कदर अरूज पर है कि गरीब की थाली खाली हो रही है। अब इन्हीं के कौल के मुताबिक अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। टमाटर एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है। अब टमाटर का उठना बैठना सेब के साथ हो रहा है। टमाटर की कीमतों में इजाफे की वजह से मियाँ बीवी जैसे प्यार और मोहब्बत वाले रिश्ते में दरारें आ रही। नाज़रीन, टमाटर इस कदर बड़ी हस्ती बन चुका है, कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें टमाटर की दुकान के बाहर सिक्योरिटी तैनात थी, तो फिर हम क्यों ना कहें कि टमाटर एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है। गुज़श्ता कल हिंदुस्तान के मारूफ न्यूज़ चैनल NDTV पर एक खबर चलाई गई। उसमें एक शख्स ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि मैंने सब्जी में 2 टमाटर डाले थे। NDTV की वो खबर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम आपको गुज़श्ता कल दिल्ली से शाया हुई अखबार जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि टमाटर की कीमतों में इस कदर इजाफा होगा कि टमाटर 300 रुपये किलो भी फरोख्त होगा। पहले आप NDTV की ये खबर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद हम आपको दिल्ली से शाया हुई उस अखबार की रिपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे। मेरा ढाबा है मेमोरी बस स्टैंड में, मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे की बस में ये निकल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। उसमें से मैं परेशान हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं, और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो बीवी क्यों नाराज होके चली गई आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में, तो उसी को लेकर विवाद करने लगे। जी जी जी। उनका क्या कहना था? महंगा है टमाटर, मत डालो इसलिए। जी हाँ, महंगा रहा टमाटर इसलिए। एक फरियादी आया था संदीप बर्मन, उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर भी बात हुआ। हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते हो तो उसने 3 टमाटर सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है, जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। मतलब वो नाराज होकर उसकी पत्नी चली गई थी? हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया बात फरियादी की रिपोर्ट में समझ में आया है कि नाराज होकर ही घर से गई। नई दिल्ली से छाया हुई उर्दू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की शान टमाटर का इन दिनों भाव बढ़ा हुआ है, कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और लोग अब 1 किलो की बजाय 1 पाव खरीद रहे हैं। मार्केट में कम हो रहा टमाटर लोगों के किचन और प्लेटों से भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। नेशनल कमोडिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। इसमें कहा गया है कि आने वाले वक्त में टमाटर की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। NCML के MD और CEO संजय गुप्ता का कहना है कि टमाटर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। बारिश के बाइस नई फसलें भी नहीं लगाई जा रही हैं, जबकि पुरानी फसलें बड़े पैमाने पर ख़राब हो रही हैं। आइंदा हफ्ते टमाटर की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, बारिश रुकने के बाद ही इसकी कीमतें दोबारा कम होने की उम्मीद है। मार्केट और मंडी में टमाटरों की नई खीप पहुंचने में कमी आ रही है और मुल्क में इसकी कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जून में जहां टमाटर 40 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था, तो वो जुलाई के पहले हफ्ते में ही 100 रुपये का हिंसा अबूर कर गया। ये अभी नहीं रुकेगा और जल्द ही टमाटर की कीमत 200 रुपये और फिर 300 रुपये फी किलो तक जाती नज़र आ रही है। बारिश के बाइस मुल्क के कई इलाकों से टमाटरों की आमद कम हो गई है। संजय गुप्ता का अंदाज़ा है कि सितंबर के बाद ही टमाटर की कीमतों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। इसका मतलब है कि इसकी कीमतें 2 माह से ज़्यादा अरसे तक आम आदमी के बजट से बाहर रहेंगी। टमाटर 60 से 90 दिन की फसल है और अभी बरसात का मौसम होने की वजह से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, लिहाजा इसकी कीमत कम होने में अभी वक्त लगेगा। बढ़ती महंगाई पर आपके क्या ख्यालात हैं? बिलखसूस टमाटर की बढ़ती कीमतों पर आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन जुबैर अहमद के साथ मैं जाफर फरीद द वायरलेस नेटवर्क की तरफ से दीजिए इजाज़त।